ओके स्टार्ट कर लें। तो लास्ट टाइम क्या देखे थे हम लोग? ओके तो आज हम देखने वाले हैं उसके अंदर का सिस्टम यूनिट का देखने वाले हैं। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर, उसको देख लेते हैं। उसके बाद जो कंप्यूटर का जनरेशन देख लेते हैं, उसके बाद वो वाला सिस्टम यूनिट के बारे में देखेंगे। पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में, इसमें 12 पॉइंट है। जैसे कि कंप्यूटर मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा बहुत स्पीडली काम करेगा। इसमें एक टाइम में 3 to 4 million इंस्ट्रक्शन एक टाइम में, जैसा पावरफुल कंप्यूटर्स है। जैसे कि हमने बताया था एक कंप्यूटर 10-15 इंस्ट्रक्शन एक काम को साथ में करेगा, लेकिन जो पावरफुल कंप्यूटर होगा 3 to 4 million जो भी वर्क देंगे, अगर प्रोग्राम देंगे उसको भी एक साथ वो कर सकता है, इतना कैपेबल वो रखता है सिस्टम। उसके बाद है वो ऑटोमेटिक है। एक्सटर्नली यूजर हैज गिवन कमांड टू कंप्यूटर टू राइट प्रोग्राम टू परफॉर्म अ टास्क एंड इंटरनली ईच एंड एवरीथिंग इज डन बाय सिस्टम इटसेल्फ विदाउट यूजर आर ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब आपको पहले बार एक कंप्यूटर को कुछ काम देने के लिए आपको यूजर का जरूरत पड़ेगा, उसके बाद वो खुद ही आपको काम को खुद ही कर सकता है, वो ऑटोमेटिकली खुद ही अपना काम कर सकता है। उसके बाद एक्यूरेसी है। अगर जो भी कैलकुलेशन है अर्थमेटिक एंड लॉजिक काम देते हैं, अगर कंप्यूटर से कुछ आउटपुट आया है एकदम वो बहुत एक्यूरेट रहेगा। अगर कुछ कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है तो हमारा इनपुट यूजर, अगर यूजर की तरफ से कुछ गड़बड़ होगा ना कि कंप्यूटर से। ओके उसके बाद है वर्सेटिलिटी। इसमें कंप्यूटर बहुत मल्टी फंक्शन को कर सकता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूजन फंक्शन को एक साथ बहुत सारा काम भी कर सकता है। उसके बाद रिलायबिलिटी, जैसा कंप्यूटर से कुछ आउटपुट आया है एकदम वो रिलायबल रहेगा, एकदम भरोसा, मतलब उसको हम फेथफुली एकदम फेथ मान सकते हैं, मतलब अगर फेक नहीं होगा, कंप्यूटर से एक आउटपुट आ गया था तो एकदम वो रियल होंगे। उसके बाद इसका स्टोरेज कैपेसिटी है। स्टोरेज कैपेसिटी में है द कंप्यूटर हैव वेरियस स्टोरेज डिवाइस आर मीडिया दैट कैन स्टोर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ डेटा इन कंटेंस्ड फॉर्म। इसमें बहुत सारा डेटा है, इतना ह्यूज डेटा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि आप गूगल सर्वर्स है ना, हम गूगल में कुछ भी सर्वर सर्च करते हैं जो कहाँ से उठा के एकदम तुरंत लेके आता है, वो भी कुछ कंप्यूटर सर्वर से ही, सर्वर्स भी कुछ भी कंप्यूटर्स ही है, वहाँ से हमको सर्च करके लेके आता है, मतलब इतना दुनिया भर का डेटा रहता है स्टोर करके किया हुआ रहता है। हम इसको कभी भी, हम चाहिए तो कभी भी रिकॉल कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल कंप्यूटर ले लेते हैं, इसमें हम 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, कितने भी साल के बाद हमने कुछ डेटा को कंटेंट्स फॉर्म पे, जैसे कि जो भी फाइल है, आप वीडियो फॉर्म में सेव किया, नहीं तो ऑडियो फॉर्म में सेव किया, नहीं तो PDF कोई भी फॉर्म में सेव किया, एज इट इज वैसे वैसे मिलेगा। उसके बाद डिलीजेंस, द कंप्यूटर बीइंग अ मशीन गेट नॉट टायर्ड, मतलब ये कभी टायर्ड नहीं होता। एक काम आपने दे दिया है, बार बार उसी काम को रिपीट करना है तो कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन टायर्ड हो जाता है। सेम टास्क, अगर ये कुछ काम है सेम टास्क अगेन अगेन प्रोग्राम करते हैं तो मल्टीफंक्शन काम करते रहता है। उसके बाद नो IQ, इसके बाद खुद का कुछ भी दिमाग नहीं है ही नहीं, हम जो काम देते हैं ये प्रोग्राम के द्वारा देते हैं, उसके बाद वो कर सकता है, वो खुद ही डिसीजन नहीं ले सकता है, कोई भी डिसीजन है। उसके बाद नो फीलिंग्स, कंप्यूटर्स बीइंग ए मशीन इट्स अ फ्री इमोशन एंड फीलिंग्स, कंप्यूटर कैन नॉट मेक जजमेंट ऑन देयर ओन। मतलब अगर कुछ काम दे दिया है, एक सीक्वेंसली कुछ काम दे रहे हैं, अगर एक काम को पहले करना है, ये काम को सेकंड करना है, इसको कुछ भी डिसीजन, आप चार काम दे दिया तो चारों को एक साथ करते रहेगा, ये इसको पहले करना है, इसको बाद में करना है, कुछ भी नहीं है, उसको खुद ही वो डिसीजन नहीं ले सकता है। इसके बाद ये पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, आपको तो पता ही है डेटा, हम कुछ डेटा को कुछ याद करते हैं, पढ़ते हैं, भूल जाता है, लेकिन कंप्यूटर कभी भूलता नहीं है। उसके बाद कॉमन डेटा यूज, और कुछ डेटा कंप्यूटर में कॉमनली यूजर यूज करते हैं, कुछ कंपनी पर्पसली यूज करते हैं, तो कॉमनली कुछ यूज करते हैं तो कुछ उसमें प्रोसीजर्स वगैरह रहता है हर कोई यूज करने के लिए, उसके बाद उसको डेवलप करते रहना पड़ता है कंप्यूटर्स के लिए। उसके बाद रिड्यूस कास्ट,
क्योंकि पहले का जो कंप्यूटर हो रहा है, जैसे कि नॉर्मल i3 सिस्टम हो रहा, बहुत पहले का 10 साल के पहले का सिस्टम हो रहा है लेते हैं तो 90,000 करीब पड़ता था। आजकल एकदम हाईएस्ट सिस्टम भी 30,000-40,000 में आ जाता है हाईचार्ज सिस्टम। इसके बाद ये है रेड्यूस कास्ट। अगर पेपर वर्क पहले का जो काम होता है, जैसे कि कुछ काम है पेपर वर्क से करना पड़ता है, जो उस पेपर वर्क को सब कुछ कंप्यूटर ने क्या कर दिया, उस काम को रेड्यूस कर दिया। ओके, उसके बाद कंप्यूटर का जनरेशन वगैरह देख लेते हैं। पहले मैंने बताया था कंप्यूटर कैलकुलेशन का पर्पस के लिए यूज किया गया है। यहां दिख रहा है, जैसे कि आप लोगों ने ये देखा तो होगा इस तरीके से, ये सिंगल डिजिट का कैलकुलेशन के लिए यूज किया गया। अबाकस इसमें मैथमेटिकली डिवाइस है, ये इंडिविजुअल परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन 3000 पीसी बिफोर क्राइस्ट आने के पहले ये जो डिवाइस है, अभी ये उस समय ये इसको ही इन्वेंट किया गया है। उसके बाद ये मॉडर्न डिवाइस तो आपको देखा ही होगा हा? उसके बाद चार्ल्स बैबेज, तो नाम तो सुना ही होगा, सुना है, कौन है वो? फादर ऑफ कंप्यूटर। वो पहला मतलब डिफरेंट इंजन, इसका ये जो डिवाइस दिख रहे हैं ये डिफरेंट इंजन है, ये अटलांटिक इंजन है। 1822 में ये जो है कैलकुलेशन करने के लिए ये जो डिवाइसेस है उन्होंने इन्वेंट किया है, उसके कारण उनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। वो ऑटोमेटिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए काम करेगा, ये फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर है। उसके बाद 1840 अगस्ता आडा, ये लेडी है, इन्होंने फर्स्ट प्रोग्राम, जो कंप्यूटर का जैसा प्रोग्राम है ना, अगर हम डेसिमल नंबर यूज करते हैं, जब इन्होंने बाइनरी नंबर्स यूज करना है इन्होंने बता के किया है। उसके बाद 1939 में इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटिंग डिवाइस एंटना सोफ बेरी कंप्यूटर, इसको एबीसी कंप्यूटर, एबीसी भी कहते हैं, इसका अर्थमेटिक एंड लॉग, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स रहता है इसको स्टोर करने के लिए, वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। अर्थमेटिक एंड लॉजिक फंक्शन के लिए इसको यूज किया गया है। उसके बाद है प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर, ये फर्स्ट मिनी कंप्यूटर्स है। उसके बाद हमने कंप्यूटर का कब डेवलप किया पढ़ा था, फर्स्ट सेक्शन में वही लिया था, 1946 करीब। तब से मतलब ये कंप्यूटर छोटा, मतलब पहले बताया था कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज हो रहा था, तब से मतलब छोटा मोटा डेवलप होते गया। उसके बाद ये प्रोसेसर है, पहला प्रोसेसर है 1917 में रिलीज किया गया है। ये प्रोसेसर का नाम इंटेल इसने रिलीज किया है, 4004 ऐसा नाम से प्रोसेसर है। हमने प्रोसेसर के बारे में अभी अलग से पढ़ेंगे, ये पहला प्रोसेसर है। उसके बाद एडवर्ड रॉबर्ट्स ने, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उन्होंने फादर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद ये जो चिप है वो जो माइक्रो प्रोसेसर लिखा है ना, उसके बाद इन्होंने प्रोसेसर को इस तरीके से ये डिजाइन किया है। माइक्रो प्रोसेसर मतलब बहुत छोटा, पहले जो कंप्यूटर्स है आपने पढ़ा होगा इतना रूम बड़ा जैसा आता था, उसके बाद माइक्रो मतलब छोटा छोटा, जैसे माइक्रो सिम है, नैनो सिम ऐसा बोलते हैं ना, नैनो गाड़ी ऐसा बोलते हैं ना, मतलब उसका प्रोसेसर का प्रोग्राम वगैरह कम करके एकदम साइज वगैरह रिफाइंड होते गया। उसके बाद ये फर्स्ट जनरेशन है, ये जो जनरेशन में है वैक्यूम ट्यूब्स, कंप्यूटर का वैक्यूम ट्यूब्स यूज किया गया है। ये जो है इतना जैसा रूम बड़ा जैसा रहता है, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स मतलब इस तरीके से रहता है, ये पावर का बहुत कंज्यूम करेगा। ये इस तरीके से डेवलप किया गया है, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। उसके बाद सेकेंड जनरेशन है, 1955 to 64 तक है। इस समय में उसका वैक्यूम ट्यूब के बजाय ट्रांसिस्टर्स यूज किया गया है, क्योंकि इसमें तो आपको बुक में इतना ब्रीफ में दिया हुआ है, इतना ब्रीफ में हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ मैंने जो PDF में दिखाया है उतना ईयर्स एंड कौन सा जनरेशन में कौन सा यूज किया गया है उसको पढ़ लेना। ओके, उसके बाद थर्ड जनरेशन है इंटीग्रेटेड सर्क्यूट, IC नाम से सुना होगा, IC खराब हो गया बोलते ना, जैसा फोन में है, लैपटॉप में आपका IC खराब हो गया बोलते ना, उसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्क्यूट। उसके बाद आया है माइक्रो प्रोसेसर,
फोर्थ जनरेशन में है, 1975 टू 1980 उसमें माइक्रो प्रोसेसर है। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, तब से 1980 से अभी तक का जो चल रहा है वो वही वर्जन चल रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट होते गया है। ये पूरा जनरेशन का पूरा इस तरीके से है, पहला जनरेशन इस तरीके से था, सेकंड में इस तरीके से है, अभी पता है, उसके बाद और बहुत डेवलप होते गया है। बाकी एक एक जनरेशन का ईयर बाई ईयर मेंशन किया है। अब हम देखने वाले हैं सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट में मतलब पूरा यूनिट सिस्टम, कंप्यूटर में हमने इनपुट यूनिट देखा, उसके बाद सिस्टम यूनिट में आता है मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क एंड रैम, मेमोरी यूनिट, ये सब कुछ आता है सिस्टम यूनिट में। सिस्टम यूनिट इस तरीके से कनेक्टेड है, हार्डवेयर डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज एंड लिनक्स और मैक, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके उसको हम ऑपरेट करते हैं। उसके बाद है हार्ड डिस्क है, जैसे कि हार्ड डिस्क यहाँ देख रहे हैं, हार्ड डिस्क आप लोगों ने देखा है, यहाँ देखा है, ओके। जैसे ये हार्ड डिस्क, ये तो खोल के रखा है हार्ड डिस्क, इस तरह से ऊपर से टॉप खोल के रखा है। यहाँ हार्ड डिस्क में इस तरह से एक सर्कल प्लेट रहता है, दिख रहा है, इस तरह से एक सर्कल प्लेट रहेगा, जैसे कि आप लोग डेटा वगैरह स्टोर करते हैं, इस सर्कल प्लेट में ही स्टोर होंगे। इसमें ट्रैक एंड सेक्टर रहेंगे, सेक्टर इस तरह से ये डिस्क है, ओके। इस तरह से ये जो राउंड पोर्शन है, जैसे ये दिख रहा है ना, इसको कहते हैं ट्रैक। उसके बाद ये एक एक पोर्शन में इस तरह से होता है, इसको कहते हैं सेक्टर। ये जो है एक सेक्टर है, जैसे कि एक एरिया बोलते हैं ना, जैसे कि ये एरिया है, ये वो अलग एरिया है, ये अलग एरिया है, जो यहां से इस एक एक एरिया में डेटा स्टोर होता है। ये स्पिनिंग मोटर है, यहां से ये जो नीडिल है, जैसे कि हमेशा इस तरह से जब सिस्टम को ऑफ करते हैं इस पोजिशन में रहेगा, जब सिस्टम को रीड करते हैं तो यहां से एक सेंसर, रीडिंग सेंसर रहेगा, वो डेटा को रीड करके, जैसे आपने कुछ डेटा को सर्च किया, बहुत सारा डेटा रखा, कुछ सर्च किया है, काम कर रहे हैं, तो यहां से स्टोर करेगा, यहां से उठा के आपको देगा, ओके। इसमें MPs में, GPs में रहेगा। पहला का जो हार्ड डिस्क है बहुत 2GB 1GB हार्ड डिस्क ऐसा आता था हार्ड डिस्क वाला, उसके बाद 4GB 10GB आता था, उसके बाद 40GB 80GB हार्ड डिस्क आता था, आजकल 1000GB 8000GB इस तरह से, हाँ वही डीबी में जीबी को कन्वर्ट किया तो 1000GB इक्वल टू 1TB, 8TB, 16TB, 10TB इस तरह से हार्ड डिस्क आता है स्टोरेज। यहाँ जो दिख रहा है हार्ड डिस्क है, इसमें हार्ड डिस्क में 6 वैरायटी है, यहाँ दिख रहा है आपको अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं, इसको कलर के हिसाब से हम यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो नॉलेज है जानना जरूरी है, लेकिन ये बुक में आपको नहीं होगा, क्योंकि हम फ्यूचर में जाके कंप्यूटर्स वगैरह खरीदते हैं, हमारा कंप्यूटर्स वगैरह परफॉर्मेंस नहीं देगा तो हमारा ही फॉल्ट है, क्योंकि हम अच्छी तरह से देख के खरीदा नहीं होगा, ओके। यहाँ से जो दिख रहा है पहला है, ये ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर है, ये जो हार्ड डिस्क है डेटा पर्पज के लिए यूज किया जाता है, डेटा पर्पज मतलब आपका जो डेटा है इसमें जाके आपको स्टोर कर दो, रीड करने का काम करेगा ये जो हार्ड डिस्क का डेटा, रीडिंग का स्पीड कम रहेगा। जैसे कि रीडिंग मतलब राइटिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका डेटा, जैसे कि मान लेते हैं 80GB 100GB, अगर डेटा को रीडिंग स्पीड है, ये रीडिंग है, राइटिंग है, अगर कुछ आपने कुछ डेटा का वीडियो को देख रहे हैं, कुछ डेटा को सर्च कर रहे हैं, ये होता है रीडिंग, कुछ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कुछ राइट कर रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं, है ना, इसको होता है राइटिंग, अंदर डाल रहे हैं, आप कुछ डेटा को ले रहे हैं, तो ये रीडिंग होता है। ये रीडिंग एंड राइटिंग स्पीड जितना स्पीड होंगे उसके हिसाब से आपका हार्ड डिस्क डेटा को जल्दी आपको देगा, कुछ डेटा को आप सर्च करते हैं इस तरीके से जल्दी रिट्रीव करके देगा। ये ओनली डेटा पर्पज के लिए है, आप डेटा इसमें स्टोर करके रखो, आपका एकदम फास्ट फास्ट स्टोर हो जाएंगे, लेकिन रीडिंग बहुत स्लो होगा, ओनली डेटा स्टोर पर्पज के लिए। जो सेकंड पर्पज है ये ब्लू वाला है, ये जनरल पर्पज के लिए है, जैसा ऑफिस हो गया, कॉलेज जैसा, होम के लिए, इस पर्पज के लिए है। ये दोनों मीडियम पर्पज में रहेगा, एंड रीडिंग एंड राइटिंग है ना, मीडियम में रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस वाला हार्ड डिस्क को यूज कर सकते हैं। उसके बाद है ये डेस्कटॉप हार्ड डिस्क बोलते हैं, उसके बाद है ये ब्लैक वाला है, ये परफॉर्मेंस
बेस्ड हार्ड डिस्क है, इसको अगर वीडियो एडिटिंग करना है, कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड का काम करना है, इस हार्ड डिस्क वो स्पीड रहेगा। जैसे कि आप ये हार्ड डिस्क आपको मिलेगा, आपको 3000 मिलेगा, तो इसको 3500 में मिलेगा, ये हार्ड डिस्क आपको 5000 में मिलेगा। ये जो हार्ड डिस्क का प्राइस है ना, रहेगा सब कुछ 1 टेराबाइट, मतलब 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क है, लेकिन उसका प्राइस डिफरेंट इसलिए होता है उसका परफॉर्मेंस के हिसाब से। पर्पल हार्ड डिस्क का क्या होता है, इसमें राइटिंग स्पीड ज्यादा होता है, रीडिंग स्पीड कम होता है। जैसे कि अभी सीसीटीवी वगैरह जितने भी देख रहे हैं कैंपस में, उसमें क्या होता है, आप वीडियो का कैप्चर करेगा, कंटिन्यू रिकॉर्ड करते रहेगा, ओके, इसका क्या होता है राइटिंग स्पीड, मतलब राइट कर रहा है, अंदर अंदर डाल रहा है कंप्यूटर का अंदर, कंप्यूटर के अंदर मतलब नहीं, अंदर डीवीआर जो कंप्यूटर के अंदर आप जो रिकॉर्डर है उसके अंदर कंटिन्यू राइट कर रहा है, इसका मतलब ये राइटिंग स्पीड ज्यादा रहेगा। लेकिन रीडिंग, अगर आपने 24 घंटा का वीडियो को देखना चाहेंगे तो आपको बहुत घंटा 24 घंटा लगाना पड़ेगा, उससे ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें राइटिंग स्पीड अगर कुछ डेटा निकालना है बहुत समय लगेगा। उसके बाद है रेड कलर। रेड कलर है ये नैस, जैसे कि नेटवर्क हार्ड डिस्क है, नेटवर्क यानी कि जैसे कि ये जो कॉलेज है यहाँ से 10-15 कंप्यूटर्स हैं, सभी लोग एक नेटवर्क को एक्सेस करके डेटा को सेव कर रहे हैं, ओके। बाकी ये जो तीनों हार्ड डिस्क है ना, हम टाइम टू टाइम सिस्टम को ऑफ कर दिया, जैसे कि आपने हार्ड डिस्क चला दिया सिस्टम को ऑफ कर दिया, लेकिन ये जो तीनों हार्ड डिस्क है 24 घंटा चला सकते हैं, कुछ भी नहीं होंगे, इसके हार्ड डिस्क का प्राइस भी उसके हिसाब से रेट महंगा होंगे। नैस बोलते हैं, नेटवर्क एरिया है, उसमें नेटवर्क से हम डेटा डालते हैं लेते हैं, इसमें रीडिंग एंड राइटिंग स्पीड दोनों अच्छा रहेगा। उसके बाद ये गोल्डन कलर है, गोल्डन कलर हार्ड डिस्क है, ये सर्वर में यूज किया जाता है, जैसे कि आप लोग रेलवे का टिकट सर्च करते हैं, हाँ बस के लिए टिकट बुकिंग करते हैं, ये सब के लिए ये जो हार्ड डिस्क है ना सर्वर में यूज किया जाता है, ये बहुत स्पीड में काम करता है। जैसे कि आप लोग इधर हैं, लेकिन इनकी सर्वर कहाँ होंगे, बॉम्बे में हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है, लेकिन आपको तुरंत रिजल्ट आ रहा है ना, तो इस तरीके से हार्ड डिस्क यूज किया जाता है। जो पहले वाला हार्ड डिस्क देखे थे वो 3.5 इंच रहेगा, उसके बाद एक लेटेस्ट हार्ड डिस्क आया है वो है एसएसडी हार्ड डिस्क ड्राइव, उसको हार्ड डिस्क हम बोलते हैं, उसके अंदर एक डिस्क रहता है उसके कारण हम उसको हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं। उसके बाद जो है हार्ड डिस्क आया है एसएसडी हार्ड डिस्क है, इसमें एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसके अंदर इस तरीके से चिप रहता है, अब इसमें ऐसा हल्का सा भी थोड़ा सा भी गिर जाए, थोड़ा सा टक्कर लग जाए, डेटा क्रैश हो जाता है, इसमें उतना नहीं है। इसके बाद इसमें स्पीड है ना एकदम हाई रहता है, इसका स्पीड है एकदम 500 Mbps/s का रहता है। जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको ये जो हार्ड डिस्क है, जो पहले का हमने बताया था हार्ड डिस्क है, आप सिस्टम में कुछ भी डेटा वगैरह कॉपी करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए 150 Mbps का रेटिंग है, एंड 130 कितना दिख रहा है, सॉरी 130 का राइटिंग स्पीड है, रीडिंग स्पीड। जैसे कि आप लोग डेटा में और कुछ कंप्यूटर में कॉपी किया तो पता होगा उसका जो डेटा है 70 MB, 80 MB का स्पीड में कॉपी होता होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम आपका जो कनेक्टर अगर पेन ड्राइव कनेक्ट कर रहे हैं उसकी डिवाइस के ऊपर डिपेंडिंग होता है। लेकिन जो आप लोग SSD हार्ड डिस्क यूज करते हैं, जो आपने मैं पहले बताया था, वो जो हार्ड डिस्क में अगर कॉपी करते हैं तो 550 Mbps का स्पीड में कॉपी होगा। इसलिए जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है आजकल क्या होता है, दो दो हार्ड डिस्क लगाते हैं, जो पहला हार्ड डिस्क है एक SSD हार्ड डिस्क लगाते हैं, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, जैसे कि हम हर प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, उसके कारण वहां से रीड करके राइट करके देगा, उसके कारण ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन उस SSD हार्ड डिस्क में इंस्टॉल करते हैं, बाकी जितने भी हमारा डेटा सारा है वो नॉर्मल हार्ड डिस्क में रहता है। उसके बाद वो एडवांस आया है NVMe, तो यहां दिख रहा है NVMe, ये भी SSD है उसका एडवांस है। उसके बाद M2 हार्ड डिस्क, उसका राइटिंग स्पीड रीडिंग स्पीड है, देखिए उसका रीडिंग स्पीड है
2500 Mbps पर सेकेंड, उसके बाद राइटिंग स्पीड है 1000 Mbps। तो सबसे स्पीड वाला हार्ड डिस्क है ये है। जैसे कि अभी देखिए ये जो हार्ड डिस्क, ये लैपटॉप है, पहले हार्ड डिस्क कितना मोटा आता था, वो हार्ड डिस्क भी आपको जैसे ना इतना थिकनेस रहता था, उसके कारण आपका लैपटॉप भी मोटा करना पड़ता था। जैसे कि ये देखिए ये आपका, जैसे ये फोन दिख रहा है ना, फोन में इतना सा पोर्शन में आ जाता है ये हार्ड डिस्क, इतना ही पोर्शन है ये हार्ड डिस्क है ना, इतना सा पोर्शन में ये हार्ड जाता है, उसके कारण एकदम स्पीड भी रहेगा, कैपेसिटी मतलब जगह भी कम गिरेगा। उसके बाद सिस्टम यूनिट में हम देखने वाले हैं मदरबोर्ड। तो एक हर एक इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस किसके साथ कनेक्ट होता है, मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होता है, उसको कहते हैं इंटरफेस, मतलब इंटरकनेक्ट होने का उसको कहते हैं इंटरफेस। जो भी डिवाइस है अगर कुछ काम नहीं कर रहा है तो मदरबोर्ड से सही से वो कनेक्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ मदरबोर्ड्स में यहाँ दिख रहा है, यहाँ छोटा छोटा होल दिख रहा है, यहाँ लगता है प्रोसेसर। प्रोसेसर उसका फुल फॉर्म क्या, उसमें क्या क्या काम होता है, मतलब उसके बड़ा था ना, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, ये सब इस जगह पे ही होता है। उसके बाद यहाँ जितने भी दिख रहे हैं ना, जितने भी कनेक्टर्स दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ व्हाइट कलर में दिख रहा है, यहाँ से अगर आप कुछ एक्स्ट्रा वगैरह कार्ड वगैरह लगाना चाहते हैं, जैसे कि आप लैंड कार्ड कुछ यूज कर रहे हैं, साउंड कार्ड यूज कर रहे हैं, पहले गेमिंग कार्ड वगैरह यूज करते हैं, गेमिंग खेलने के लिए कुछ कार्ड्स वगैरह यूज करते हैं, उस कार्ड को अगर बाई डिफॉल्ट में आपका मदरबोर्ड में नहीं आता है तो इस तरह से हम इसमें लगा के हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये जो जगह है, ये जो स्लैट्स है, इसको ये कहते हैं रैम स्लॉट है, इसमें हम रैम लगा के यूज करते हैं। बाकी जितने भी है, यहाँ पीछे की तरफ दिख रहे हैं, यहाँ पीछे की तरफ इस तरफ से दिख रहे हैं ना, यहाँ से लैन पोर्ट, ऑडियो पोर्ट एंड पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, ये जो पुराना पोर्ट्स कंप्यूटर्स है ना, इसमें कनेक्टर्स कनेक्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। उसके बाद है पावर कनेक्टर्स है, और भी सीमास बैटरीज है, हाँ उसके बाद पीसीए स्लॉट्स है, ये सब अलग अलग स्लॉट्स है, उसके हिसाब से जैसे कि वैसे यूज करते हैं, उसके हिसाब से यूजर के हिसाब से उस कार्ड को लगा के यूज करते हैं। कभी मैं एडवांस वाला सिस्टम के बारे में कभी फोटोस इमेजेस वगैरह दिखाऊंगा, ये तो पुराना वाला है। जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, पोर्ट्स है, उसमें कौन सा पोर्ट्स है, इसमें डिटेल दिया हुआ है, इतना डिटेल में जाएंगे, आपको मैं पीडीएफ दे देता हूँ, पीपीटी आप लोग पढ़ लेना है, कौन सा पोर्ट है, कितना स्पीड है आपका, ये सब नॉलेज पर्पस के लिए है, आप लोग पढ़ लेना है। उसके बाद है एक्सपेंशन स्लॉट्स है, इसमें हम कार्ड को एक्स्ट्रा कार्ड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ग्राफिक्स स्लॉट्स में हम ग्राफिक्स कार्ड वगैरह लगा के जैसे गेमिंग पर्पस के लिए एंड एडिटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हम प्रोसेसर के बारे में पढ़ रहे थे, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो प्रोसेसर है इस तरह से रहता है, हमने पढ़ा था प्रोसेसर में अलग अलग यूज डिवाइसेस वगैरह यूज किया गया, उसमें से ट्रांसिस्टर नाम से एक पढ़ा था सेकंड जनरेशन में, जो आजकल जो प्रोसेसर आता है 7 नैनोमीटर बहुत छोटा सा आता है, उसमें बहुत सारा आईसीस है और ट्रांसिस्टर वगैरह यूज किया गया। देखिए यहाँ दिख रहा है इस तरीके से रहता है, ये जो प्रोसेसर को है दो कंपनियां बनाता है, एक है इंटेल है, एक है राइजन, एएमडी नाम से दो कंपनियां बनाता है। इसके बारे में तो हमने पढ़े था ना, इसमें प्रोसेसर में 3 यूनिट होता है, बताइए क्या क्या यूनिट है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, उसके बाद कंट्रोल यूनिट पूरा कंट्रोल करेगा, फिर मेमोरी यूनिट, अभी मेमोरी यूनिट के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे, मेमोरी यूनिट में क्या क्या है काम होता है। जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं आ गया है मेमोरी यूनिट, मेमोरी में 3 है, एक है प्राइमरी मेमोरी, उसी को ही हम मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी कहेंगे, उसके बाद है सेकेंडरी मेमोरी, उसको एक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं, उसके बाद बैकअप मेमोरी, उसको ऑफलाइन मेमोरी भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ दिख रहा है इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी में क्या क्या आता है,
आपको बुक्स में है जो जो है, ये तो पूरा नेट से लिया हुआ है डायग्राम है, बुक्स में है कैची मेमोरी एंड रैम एंड रोम, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सटर्नल मेमोरी में आता है मैग्नेटिक डिस्क, जैसे कि आपको हार्ड डिस्क है, जितनी भी डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क, नाम तो सुना है फ्लॉपी डिस्क, सुना है कि नहीं, पता नहीं है फ्लॉपी, पता नहीं है, ओके। सेम हार्ड डिस्क जैसे एक डिस्क रहता है, उसमें 2 MB 4 MB 10 MB इतना ही मेमोरी आता है, इतना तो हम मेमोरी में रख सकते थे। बहुत पुराना जमाने का है, एकदम एकदम काला कलर का रहता है इतना सा, जैसे कि एकदम बहुत पतला थिन सा रहता है, उसको सिस्टम में लगाते हैं। ऊपर हम लैब में जाएंगे तो फ्लॉपी डिस्क का कोई डिस्क होगा, उसको दिखाते हैं, लगाने जैसा पोर्ट होंगे उसमें दिखाएंगे आपको। इसमें आएगा मैग्नेटिक डिस्क है, उसके बाद सॉलिड ड्राइव एंड ऑप्टिकल डिस्क है, उसमें भी रैम में भी दो प्रकार का आएगा, एक है एसटी रैम है, उसके बाद डी रैम है, एस रैम, दूसरा डी रैम है। उसके बाद रोम में आएगा एम रोम, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में है दो आएंगे, एक है एस रैम है एंड डी रैम है। प्राइमरी मेमोरी में है पहला है रैम है, रैम का हमेशा फुल फॉर्म क्या है, रैम लिख के उसको फुल फॉर्म क्या है पूछा जाता है। रोम, रीड ओनली मेमोरी, ओके। सो इसमें दो प्रकार का है, एक एस रैम है, दूसरा डी रैम है। डी रैम मतलब डायनेमिक रैम है, एस रैम मतलब स्टैटिक रैम है। ये दोनों रैम अलग अलग पर्पज का काम करेगा, जैसे कि ये प्रोसेसर है, जैसे ये प्रोसेसर है उसकी बगल में आपका रैम यहाँ लगा हुआ रहता है, ओके। यहाँ का आप जो भी काम देते हैं वो रैम क्या करता है, उस काम को लेता है, उसके बाद प्रोसेसर को देता है। प्रोसेसर सीधा वो काम को लेता नहीं है, रैम में रखेगा, रैम टेम्पररी रहेगा, उसके बाद यहाँ जाएगा, उसके बाद अगले काम आएगा, रैम के पास जाएगा, उसके बाद प्रोसेसर को देगा। इस तरह से काम करता है। ये जो एस रैम है, स्टैटिक रैम है, ये दोनों अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ये तो आपको बता दिया, काम को लिया दिया। ये जो रैम होता है वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल मतलब अगर सिस्टम बंद हो गया तो भूल जाता है सिस्टम को। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, पीडीएफ वगैरह कुछ कुछ पढ़ा रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, अगर अचानक पावर बंद हो गया तो उसके बाद आप सिस्टम खोलेंगे तो वो डेटा गायब हो जाता है, क्योंकि वो रैम में से वो डेटा, क्योंकि वो जो आपने जो काम किया, जितने भी टाइप किया, उसको रैम में रहेगा, उसके बाद वहाँ देते रहेगा जब तक वो हार्ड डिस्क में नहीं गया। हार्ड डिस्क को करने के लिए जब भी काम कर रहे हैं उसको सेव एज, सेव एज बीच बीच में करते हैं, सेव एज करते समय क्या होता है, वो जो डेटा सेव कहाँ होता है, हार्ड डिस्क में जाके होता है, तब तक वो रैम में रहेगा, प्रोसेसर में रहेगा, प्रोसेसर में जो काम करते रहेगा रैम में रहेगा। अगर अचानक पावर बंद हो गया तो क्या होगा, डेटा लॉस हो जाएंगे। लेकिन एस रैम में क्या होगा, एस रैम इस तरह से काम करता है, रैम मतलब रैम टोटली रैम को बोलते हैं, उसको तो वोलेटाइल है, अगर वोलेटाइल मतलब भूल जाता है, लेकिन एस रैम में क्या होता है, नॉन वोलेटाइल नहीं, इसमें डेट एंड टाइम का यहां होता है, डेट एंड टाइम का यहां सेव होता है, डेट एंड टाइम, उसके कारण ये भूलता नहीं है, उसको सेव रखता है। अगर आपको सिस्टम का डेट एंड टाइम को चेंज करना है तो कर सकते हैं यहां से। उसके बाद हम देख रहे हैं रोम, ये है हमने बताया था रोम, रीड ओनली मेमोरी, जैसे कि हमने बताया था लास्ट टाइम बायस, बेसिक एंड इनपुट डिवाइसेस है, जैसे कि आपको कंपनी से कुछ डिवाइसेस वगैरह बन के आ रहा है, उस चिप में ये रोम इंस्टॉल किया हुआ रहता है बाय डिफॉल्ट। जैसे कि आपका मोबाइल में, जैसे मैं बताया था लोगोस वगैरह आता है, तो ये रोम में प्रोग्राम किया जाता है, उसके कारण यहाँ से रीड होके आता है। जैसे कि आपका हर डिवाइसेस में रोम रहेंगे, इसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। रीड ओनली मेमोरी मतलब इसको राइट नहीं कर सकते हैं, रैम में डेटा को राइट कर सकते हैं, जैसे कि आपको अलग अलग काम दिया, डेटा राइट हुआ, ओके, लेकिन रैम में, सॉरी रोम में डेटा राइट नहीं होंगे, ओनली रीड होंगे। जो कंपनी से बन के आ गया एक बार उतना ही रहेगा, उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, इसमें एक वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल दिया,
जैसे कि डिजिटल वॉशिंग मशीन है, आपने कुछ वॉशिंग मशीन में इतना देर कपड़ा धोना है, आपने प्रोग्राम कर दिया, जैसे कि मान लेते हैं आधा घंटा का दे दिया है, अगर बीच में अचानक पावर चले गया तो क्या होगा? मैंने बोला था ये नॉन वोलेटाइल है, ये रूम भूलता नहीं है, ऐसा लेफ्ट एंड राइट राइट घूमते घूमते पावर बंद हुआ, वापस यहाँ से चालू करेगा, कितना मिनट में बंद हुआ, जैसे कि आपने 20 मिनट में बंद हुआ, वापस कितना मिनट करेगा, 10 मिनट ही काम करेगा, ठीक है, ये काम भूलेगा नहीं, इसलिए इस जैसा डिवाइस में रोम इंस्टॉल करके आता है, जैसे कि इस तरीके से है, फिर ओवन हो गया, जैसे कि इस तरीके से टाइम लिमिट सेट करते हैं ना, जितने भी टाइम सेट करते हैं उसमें ये रोम डिवाइस, रोम का चिप इंस्टॉल करके प्रोग्राम करके आता है। इस रोम का तीन प्रकार का होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये तो कंपनी से प्रोग्राम करके आएगा, रीड ओनली मेमोरी है। उसके बाद ईप रोम, चेंज थ्रू अल्ट्रा वायलेट, मतलब इसको प्रोग्राम को एराइज कर सकते हैं, किसके द्वारा, अल्ट्रा वायलेट रेस के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते हैं, वो तो जिसका कंपनी है, कंपनी है, बड़ा बड़ा कंपनी है, उसको रैम को, जो रोम को चिप से, मदरबोर्ड से निकालो, उसके बाद उसको रीप्रोग्राम करो, मिटाओ, ये काम हमसे नहीं हो सकता, ये प्रोग्राम भी यूज नहीं है। उसके बाद तीसरा है ईपी रोम, ये इलेक्ट्रिकल का, ये आपको बुक्स में दिया हुआ है, ये ध्यान से सुन लेना, पढ़ लेना है। ईपी रोम है, ये इलेक्ट्रिकल का मतलब करंट के द्वारा इसको प्रोग्राम को मिटा सकते हैं, ओके। उसके बाद इस दोनों का डिफरेंट है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये डेटा को आप पहले दे दिया, ये दे दिया, ऐसा मतलब ये सीक्वेंसली एक्सेस नहीं करेगा, रैंडमली एक्सेस करेगा डेटा को, जैसे कि आपने कुछ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दिया, रैंडमली ये काम करेगा, रोम में ओनली रीड ओनली करेगा। उसके बाद ये वोलेटाइल है, उसके बाद ये रोम नॉन वोलेटाइल है, हाँ तो रही इधर से किच आ रहा है, उस तरफ से आ रहा है, शायद उस तरफ से आ रहा है, सांप इधर आएगा, चटवा मंजिल तक चढ़ के आ गया, इतना लंबा सांप पाइप से, एकदम फायर का पाइप है ना, फायर का पाइप लाइन, उसमें चढ़ के आ गया ऊपर तक। ये जो रैम है, प्रोग्राम को टेम्पोररी होल्ड करके काम करता है, प्रोग्राम को एक्सीक्यूशन करता है। रोम है, इसमें बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में जो आपने प्रोग्राम किया हुआ है कंपनी से, उसी के बेस में ये काम करेगा। उसके बाद हम देख रहे हैं सेकेंडरी स्टोरेज, हम पहले देखे थे प्राइमरी स्टोरेज, उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज है। सेकेंडरी स्टोरेज में ये जो हार्ड डिस्क वगैरह है, हाँ मैग्नेटिक डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, यही फ्लॉपी डिस्क है, ये जो दिख रहा है आपको, इस तरह से फ्लॉपी डिस्क अंदर रहता है, दिख रहे हैं आपके, इसमें एक ऊपर लेयर रहता है, नहीं दिख रहा है, तो इस तरह से रहता है, जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क मतलब आप जो कैसेट जैसे सॉन्ग सुनने के लिए यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक सेल्स ही रहता है, हा? उसके बाद पहले का मूवी देखने के लिए आपने इतना बड़ा कैसेट देखा होगा, मीडिया टेक टेक प्लेयर में इसमें ऐसे लगाते हैं, ये सब इसमें आएगा मैग्नेटिक डिस्क में, मैग्नेटिक डिस्क मतलब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आएगा। उसके बाद है ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को हम, इसको एक है सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है, उसके बाद डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस है। जैसे कि सीक्वेंशियल मतलब देखिए, इसमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में दो प्रकार का एक्सेस चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग का अभी आपके पास कैसेट है, MP3 कैसेट है, ए सेट बी सेट रहता है, उसमें तीसरा नंबर का गाना बजाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, दो बार मतलब दो सॉन्ग को फॉरवर्ड करना पड़ेगा, उसके बाद तीसरा सॉन्ग को एक्सेस करते हैं। यदि आपके पास कंप्यूटर है, कुछ सॉन्ग्स है, कुछ 10 फोल्डर के अंदर 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 रखा हुआ है, आप 10 फोल्डर को सीधा खोल करके वो पर्टिकुलर गाना को आप प्ले कर सकते हैं, इसको कहते हैं डायरेक्ट एक्सेस, इसको कहते हैं सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में जाना पड़ेगा, उसको इतना जाके उसको करना पड़ता है। ये भी मैग्नेटिक डिस्क है, इस तरह का है,
उसके बाद ये फ्लैपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, इस तरीके से ये सब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है। नहीं, पहले का जो फ्लैपी डिस्क है मैंने बताया था उसमें 2 MB, 4 MB, 5 MB, 10 MB का डेटा ही सेव कर सकते हैं। 1 GB में कितना MP है? 1000 MP है, 1024 है। तो आप MP को जहां देखो अभी 1000 GB का हार्ड डिस्क आ रहा है, कितना फर्क है ना। एक अभी 2 MP मतलब आपका जो अगर एक फोटो मोबाइल से खींचा 5 MB का आता है। तो एक पुराना जमाने के जैसा आपने पुराना जमाने का आपने कंप्यूटर देखा होगा, एकदम चालू करते यस करेगा, मतलब एकदम ब्लैंक स्क्रीन रहेगा, नॉन ग्राफिकल, विंडोज 98 है, आपने देखा होगा, सीधा तो नहीं देखा होगा लेकिन इंटरनेट में और देखा होगा, उसमें ओनली विदाउट ग्राफिक्स है, ओनली कमांड लाइन्स वाला यूज होता है। उस समय के लिए वो फ्लैपी डिस्क ठीक है, लेकिन अभी के लिए कुछ भी हमारा काम का है ही नहीं। उसके बाद हमको आता है थर्ड है ऑप्टिकल डिस्क। सीडी तो देखा ही होगा आपको, सीडी डीवीडी, जैसे सीडी में आता है 700 MB का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, डीवीडी में 4.7 GB मतलब 4 GB 700 MB डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। यदि ब्लू रे का डिस्क होता है उसमें 8 GB का डेटा सारा उसको स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है कैच मेमोरी है, ये सबसे स्पीड वाला मेमोरी कौन सा ऐसा पूछा जाता है तो कैच मेमोरी है। जैसे कैच मेमोरी क्या करता है, इसमें कैची मेमोरी, जैसे कि मेरा अभी लैपटॉप है इसमें कैची मेमोरी का जो मेरा लैपटॉप का साइज होंगे 4 MB, 5 MB, 6 MB इतना ही होंगे, जो लेटेस्ट सिस्टम में आएगा 24 MB, 30 MB इतना ही क्यों आएगा। ये जो क्या करेगा, जैसे कि मैंने नेट में कुछ सर्च करा, जैसे कि आपको कुछ हार्ड डिस्क में सर्च किया, जैसे कि आपको कुछ बायोलॉजी जो भी सब्जेक्ट के नाम से सर्च किया, कुछ सर्च किया, उसको अपना कैची में रख लेगा। उसके बाद वो तुरंत अगली बार आपने कुछ उसको 2 लेटर लिखा, उसके बाद वापस तुरंत वो आप में वापस आ जाएगा। इसका जो स्टोरेज है कैच मेमोरी में होता है। अगर सिस्टम में जितना ज़्यादा कैची मेमोरी रहेगा उतना ज़्यादा सिस्टम स्पीड में सर्चिंग होगा, काम करेगा। ओके, और कुछ पूछना है? ओके, तो ये स्लाइड्स वगैरह कैसे लेंगे पढ़ने के लिए? कितना सारा फोटो भेजेंगे? तो यहाँ से खत्म हो गया सिस्टम यूनिट्स, खत्म हो गया। अच्छा, कितने लोगों के पास बुक है? मैं नोट करवा दूं क्या क्या पढ़ना है? एक एक आप लोग नहीं लाए? किसी ने नहीं लाया? नहीं, जिसके पास है वो तो फोटो खींच ले ना, मुझे जो पढ़ना है जिसके पास है उससे पेजेस नोट करवा दूंगा ना। किसी ने भी नहीं लेके आया? अच्छा, आज सब्जेक्ट नहीं था। नहीं, कोई बात नहीं। सो आप सबके पास बुक नहीं है तो इतना ही पढ़ लेना, ठीक है? तब बुक आने के बाद आपको बहुत सारा पढ़ने का है। पॉसिबिलिटी क्वेश्चन थोड़ी बताएंगे। देखिए अभी यूनिट 1 में है, जैसे कि आपको 72 पेजेस है। इसमें पहला है डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, वो तो देखिए जितने भी मैंने यहाँ नोट्स में दिया है उसका शॉर्ट फॉर्म लिखे, फुल फॉर्म लिखा है ना, इसको 5 मार्क्स में 10 मार्क्स में सिंगल आंसर, 1 आंसर, मतलब 1 मार्क के लिए। जैसे कि आपने मैंने ALU लिखा, उसको लिखना है आपको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उसका फुल फॉर्म इस तरह से रहेगा। ओके, जो यहाँ दिया उतना पढ़ लेना, जब बुक आने के बाद आपको यहाँ बहुत सारा है, 100 के ऊपर है, लेकिन उसमें भी मैं 30-35 का ही नोट करूंगा, उतना ही पढ़ लेना है आपको। फुल फॉर्म का 30-35 पूरा बुक में उतना ही पढ़ना है, पढ़ नहीं पाएंगे क्या? यहाँ लिखा हुआ बहुत सारा है, ये ब्रीफ किस्ती में बहुत सारा है, लेकिन मैंने 4-5 ही नोट किया ना, उतना ईयर्स उसके ईयर मतलब वो काउंट इन्वेंट किया उतना पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें क्या इतना सारा है, इतना सारा बहुत सारा है दिया हुआ है। या हमेशा बुक लेके ये जो ब्रीफ हिस्ट्री में आपको मतलब जरूरत भी नहीं है, मैंने जो नोट किया वो इम्पोर्टेंट है, उतना ओनली पढ़ लेना, उतना ही लिख देना, कौन इन्वेंट किया, क्या नाम है, बस इतना ही। उसने जैसा प्रोग्राम डेटा मतलब प्रोग्राम का इन्वेंट किया,
उसको भर लेना है। उसके बाद भी ये देखिए, ये जो जनरेशन का है वो भी 4-5 का है, उसका ईयर के साथ मतलब कौन सा चिप है, कौन सा डिवाइसेस वगैरह यूज किया है वो पढ़ लेना आपको। उसके बाद बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड लाइवेयर पहले देखे था पहले दिन। उसके बाद बेसिक ऑपरेशन एंड फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ऑपरेशन मतलब क्या करते हैं, उसमें इनपुट रहता है स्टोर करते हैं कंट्रोल करते हैं उसको प्रोसेस करके आउटपुट निकालते हैं। बेसिक ऑपरेशन एंड फंक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। उसके बाद आप लोग इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस है जितने भी मैंने नोट किया है, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस है वो पढ़ लेना है। देखिए ये तो मैंने दो दो लाइन में ऐसा सिंपल लिखा है, आपको इस एग्जाम के लिए ठीक है, लेकिन अगले एग्जाम के लिए बुक दे के पढ़ना पड़ेगा। ओके, इस एग्जाम के लिए चलेगा, उसके बाद जो अपना स्वयं कुछ भी लिख देना है, क्योंकि मैं सिंगल सिंगल लाइन लिखा हूँ, क्योंकि आप लोग के पास बुक नहीं है इस बार, इस जो लिया है चलेगा, लेकिन अगले बार में क्योंकि एक क्लासेस लिया है उसका वीडियो लिंक भी भेजता हूँ आपको, वो भी शेयर कर देना ग्रुप में। उसके बाद रैम एंड रोम का डिफ्रेंसिएशन एंड रैम एंड रोम का जैसा काम करता है उसको भी भर लेना है, अलग अलग लिखा हूँ। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी भी सेकेंडरी मेमोरी, जैसे प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आएंगे, क्या क्या काम करता है सेकेंडरी मेमोरी में, इसमें देखता हूँ मैं पीडीएफ में डिफ्रेंसिएशन किया है कि नहीं पता नहीं, लेकिन नहीं किया तो अगले क्लास में करके दे दूंगा लिख के। उसके बाद प्रिंटर्स है, कितना प्रिंटर, मैंने 4 प्रिंटर पढ़ाया था ना, 4 वो ही प्रिंटर पढ़ लेना है। हाँ, उसके बाद प्लॉटर, प्लॉटर हाँ। उसके बाद एक क्लास अगले क्लास लेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर सिस्टम के बाइनरी नंबर सिस्टम्स। क्या ये क्वेश्चन की पूछ रहे हैं, पूरा एग्जाम की पूछ रहे हैं? दस नंबर का, दस नंबर का कितना क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर से इसमें से 2-3 मतलब 8 मार्क ले लेंगे, 5 मार्क ले लेंगे, फिर सिंगल मार्क ले लेंगे, मुश्किल से आएगा मतलब 10 क्वेश्चन ही आएगा। हाँ, वो भी यहाँ दिया हुआ नोट, नोट्स लेके लिखने वाले हैं आप, पूरा बुक थोड़ी पढ़ने वाले हैं, सेलिंग का उतना नहीं काटते, फिर भी मैटर होना चाहिए उसमें। बस एक नंबर सिस्टम का एक क्लास बचा हुआ है। ओके, तो आज हमने क्या क्या देखे थे, क्या ओके ओके ये तो आप लोग खुद ही लिख सकते हैं, ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब है ना, इसको तो 12 पॉइंट लिख दिए हैं, उसको देख के सिंपल लाइन लिख सकते हैं। उसके बाद सिस्टम यूनिट का देखें, सिस्टम यूनिट में क्या क्या आता है, उसके बाद हाँ अच्छा प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आएंगे, रोम और कैची मेमोरी है ना, वो भी प्राइमरी मेमोरी में आएगा। हाँ वो तो उसके रैम रोम आएंगे, उसका अलग अलग उसके अंदर का वर्जन है, मतलब प्रोग्राम है। रैम रोम मेन मेमोरी, इसको मेन मेमोरी लिखना है जो है लिखना है। उसके बाद ये जो है ना उसके अंदर आता है, जैसे कि आपको रैम में एक्सप्लेन करो तो आपको रीड ओनली मेमोरी उसके बारे में एक्सप्लेन करना, फिर रोम में एक्सप्लेन करा तो ईपी रोम है, ईईपी रोम है, इस तरीके से अंदर का लिख देना है, जो आपको मेन जो क्वेश्चन पूछा उसको उतना ही लिख देना है। उसके बाद जो टेक्निकल शब्द है, जैसे कि ऑल टाइम नॉन ऑल टाइम, ये बिल्कुल सही होना चाहिए, ये बिल्कुल इधर उधर हुआ तो बिल्कुल कटा जाएगा मार्क। ओके, और क्या देखे थे, बस एक एक जनरेशन के बारे में देखे थे, जनरेशन का ईयर्स, बस उसका कौन सा डिवाइस यूज किया पढ़ लेना है। उसके बाद है जैसे कि देखिए, इसमें से मेरा दोस्त एक बॉम्बे से कॉल किया, जैसे कि उसको बोला i3 सिस्टम दे दिया, सिस्टम एकदम i3 सिस्टम, आपको तो पता है i3 i5 i7 है सिस्टम, उनको दे दिया, तो वो एडिटिंग पर्पस के लिए उसने खरीदा एकदम, क्या उनको सिस्टम का बारे में पूरा डिटेल उनको पता नहीं रहता है, उसने तो बोला i3 सिस्टम दे दिया,
तो उसमें भी क्या होता है, एक एक जनरेशन होता है आई3 सिस्टम से, एक एक जनरेशन होता है। जैसे कि जनरेशन कैसा होता है, यहाँ आपको यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, हर एक प्रोसेसर है। जैसे कि एक प्रोसेसर है, मैंने पहला प्रोसेसर बता देता 4004 है, इस तरीके से है। अगर जनरेशन प्रोसेसर है, अभी जो चल रहा है प्रोसेसर है 12th generation है, 12th generation प्रोसेसर है। तो इस प्रोसेसर में नाम लिखा होगा इस तरीके से 12 लिखे कुछ नंबर्स वगैरह लिखा होंगे पीछे। जैसे कि i3 सिस्टम है, जैसे कि i3 लिखा, उसके बाद है 7th generation प्रोसेसर है, 7 लिखे 2 digit इस तरीके से लिखा होगा, जो भी लिखा होगा, है ना। अगर उनको क्या दे दिया, उन्होंने तो i3 खरीदा, जैसे कि i3 का खरीदा, उन्होंने 5-7 साल पहले का 3rd generation दे दिया। अगर उस समय का 3rd generation पूछना है, हाथ उठा रहे थे तो उस समय का जो जनरेशन का, जैसे कि एकदम लेटेस्ट वर्जन, जैसे कि अभी मान लेते हैं 7th generation का एकदम लेटेस्ट वर्जन जैसे कि देख लेते हैं, उसमें 7th generation में 11 नंबर वर्जन, अभी वर्जन 1, 2, 3 लेके 11 तक उसने वर्जन इन्वेंट किया। उसी के बाद इसमें i3 प्रोसेसर है मान लेते हैं, ओके, सेम i3 प्रोसेसर। उसके बाद अभी 2022 में निकला 1st generation में, इसका इससे भी ज्यादा परफॉर्मेंस देगा। अगर ये आएगा 11th generation में, जैसे कि ये है 11th generation में निकलेगा, तो ये कितना परफॉर्मेंस देगा, ओके। तो इस तरीके से हम जब भी प्रोसेसर वगैरह खरीदते हैं तो उसका उसका जनरेशन वगैरह देखना जरूरी है। दूसरी बात है, हम प्रोसेसर के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे कि ये प्रोसेसर है, इस तरीके से ये रहता है, इसमें अलग अलग कोर्स रहता है। कोर के बारे में लास्ट में बताया था, जैसे कि ड्यूल कोर प्रोसेसर है, इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर 2 प्रोसेसर रहेंगे, मतलब ड्यूल, एक ही प्रोसेसर के अंदर 2 काम करेगा। जैसे कि आपको कुछ मैं बताया था ना, गाना भी सुन रहे हैं, डाउनलोड भी लगा रहे हैं, तो ये जो काम, जितना आपके अंदर कोर रहेंगे उसके हिसाब से काम ज्यादा करेगा। जो आजकल का कोर आता है 16 कोर आता है, जैसे कि 8 कोर आता है उसको तो ऑक्टा कोर प्रोसेसर कहते हैं, अगर उसके बाद जितने भी आता है उसको मल्टी कोर कहते हैं, ओके, उसके अंदर जितना भी बहुत सारा रहेंगे इस तरह से कोर्स रहेंगे। उसके बाद उसके अंदर थ्रेडिंग कहते हैं, जैसे कि अगर मेरे पास लो एंड का प्रोसेसर है उसको हम थ्रेडिंग करते हैं, जैसे कि आप कुछ कभी कभी थ्रेडिंग में क्या होता है, उसको परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए हम रीप्रोग्राम वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह अपग्रेड करते हैं। उस थ्रेडिंग में क्या होता है, आपका 2 तरह का संभावना है, एक प्रोसेसर ही खत्म हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है, नहीं तो अच्छा चलेंगे। जैसे कि अभी ये जो प्रोसेसर है, 2 प्रोसेसर है, सॉरी, ये इसके अंदर 2 कोर्स है, कोर्स है, इसके अंदर थ्रेडिंग करते क्या करते हैं, जैसे कि इसके अंदर एक बीच में एक डॉट लगा दिया, मतलब इसको दोनों को अलग नहीं किया, जैसे कि इसमें काम ज्यादा आ रहा है तो यहाँ से ये जो परफॉर्मेंस है यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ परफॉर्मेंस के लिए यहाँ काम करेगा थ्रेडिंग, तो यहाँ से अगर इधर आना है तो इस तरह से हो जाएंगे, मतलब 4 नहीं दिखाई देंगे, थ्रेडिंग मतलब इसको डिवाइड नहीं करके दिखाई देंगे, अंदर ही अंदर जिसका परफॉर्मेंस ज्यादा करना है उसके हिसाब से ऊपर नीचे हो जाएंगे, इसको कहते हैं थ्रेडिंग करना। तो प्रोसेसर को लेके थ्रेडिंग भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर मतलब खराब भी हो सकता है, उसके कारण जो अच्छा चल रहा है उसको खराब क्यों करें, है ना। यहाँ दिख रहा आप लोगों का, जैसे 5th generation 10th generation प्रोसेसर है, इस तरह से 10 digit में नंबर लिखा होगा। अगर आप जिन लोगों को इसको नीचे करते हैं, जैसे कि ये 9th generation प्रोसेसर है, उसमें भी 9th generation प्रोसेसर में i3 i5 i7 i9 इस तरह से प्रोसेसर रहेंगे, उसमें उस तरह से नंबर डिजिट रहेगा इस तरह से। यदि फ्यूचर में आप लोग खरीदते हैं तो इस तरह से नॉलेज के लिए आपको बहुत काम आएंगे, ओके ओके। आज का क्लास फिनिश करते हैं।